बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यानी हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। लेकिन अब आधुनिक दौर में गांव पर भी कृषि के क्षेत्र में भी आधुनिकता का प्रभाव देखा जा रहा है। हमारे किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवसाय भी अपनाना चाहते हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके, उनकी आमदनी सुनिश्चित हो सके। और हमारे किसान पशुपालन के क्षेत्र में पहले ही काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन पशुपालन में अभी तक वो गौपालन तक ही सीमित थे। इसीलिए ऐसे एवेन्यूज तलाश किए जा रहे हैं जिससे उनकी आय में और ज़्यादा वृद्धि हो, और ये विकल्प है सुअर पालन का, यानी सुकर पालन। कैसे सुकर पालन से हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, आज के दौर में आखिर युवा क्यों इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, कैसे पशु की अच्छी वृद्धि दर हमारे किसान को मालामाल बना सकती है, यही जानेंगे आज के कृषि विशेष में। तो आइए देखते हैं आज का हमारा कृषि विशेष इसी विषय पर, यानी सुकर पालन। कृषि प्रधान देश भारत में गांवों में निवास करने वाले किसान हजारों सालों से खेती और पशुपालन पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं। आज के दौर में सुअर पालन सामान्य इंसान के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो रहा है। हालांकि भारत में कुछ वर्ष पहले तक सुअर पालन व्यवसाय को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, इसीलिए समाज में इस व्यवसाय की छवि अच्छी नहीं थी। लेकिन मौजूदा समय में विश्व में बढ़ती मांस की मांग के चलते सुअर पालन को लेकर परिदृश्य बदल चुका है। यही कारण है कि वर्तमान में सुअर पालन का व्यवसाय केवल एक वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोगों के अलावा संपन्न घरों के लोग भी कर रहे हैं। आज के दौर में सुअर पालन लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है। पहले सुअर पालन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों में एक माना जाता था, लेकिन अब इसे प्रबुद्ध और प्रोफेशनल लोग भी अपना कर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सुअर पालन व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व आपको उचित जगह का चुनाव और उनके आवास व्यवस्था, उनकी फीडिंग व्यवस्था और नस्ल का चुनाव, इन चार बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और सुअर पालन व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले और बड़े स्तर पर करने से पहले एक बार कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य सरकारी संस्था है वहाँ पर विजिट करके इसका प्रशिक्षण है वह भी आपको अवश्य कर लेना चाहिए। दुनिया के कई बड़े देशों में सुअर पालन किया जाता है। मांस के लिए अधिक मांग होने के कारण चीन, रूस, अमेरिका, ब्राजील और पश्चिम जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े सुअर उत्पादक देश है। अन्य देशों की तरह भारत में भी वाणिज्यिक सुअर पालन एक बेहतर व्यावसायिक अवसर बन रहा है। भारत में असम सबसे बड़ा सुअर उत्पादक राज्य है। असम के अलावा झारखंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मिजोरम आदि प्रदेशों में भी सुअर बहुतायत से पाले जाते हैं। वर्ष 2019 पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सुअरों की संख्या करीब 9.06 मिलियन है। इनकी संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा हो रहा है। पूरे विश्व में सुअरों की संख्या 784 मिलियन से भी अधिक है। सुअर पालन व्यवसाय जो प्रारंभ करते समय आपको अपना जो सुअर का जो फार्म स्थापित करना है वह रोड की व्यवस्था अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो और नज़दीक जो मेट्रो सिटी है या उनके आसपास है सुअर का व्यवसाय है आपको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जो सुअरों का जो मुख्य जो भोजन होता है वह यह शाकाहारी है, सब्जियां हैं या छिलके हैं या अन्य जो बाई प्रोडक्ट रहते हैं गन्ने के छिलके हुए, उनका ये उपयोग करते हैं। तो उसके लिए अपन नज़दीकी बाज़ार की व्यवस्था होगी तो इनके आहार की व्यवस्था है वो अच्छी होगी। मांस उत्पादन की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर सुअरों की अनेक अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। उनमें से कुछ भारत के मौसम और जलवायु के अनुसार वाणिज्यिक मांस उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त हैं।
ऐसी दशा में सुअर पालन के लिए उद्यमी किसी भी अच्छी नस्ल का चयन करके सुअर पालन कर बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली जो भारत के अंदर जो नस्लें हैं जो बड़े स्तर पर करते हैं उसके लिए लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है या हैम्पशायर है, ड्यूरोक है, या जो अपनी देसी नस्ल है घुघरू है, इन नस्लों से आप अपना व्यवसाय है जो प्रारंभ कर सकते हैं। बात सुअर पालन की हो और उसमें होने वाले मुनाफे पर चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। जी हाँ, आज के दौर में सुअर पालन अधिक मुनाफे वाला और कम लागत वाला व्यवसाय बन गया है। इसमें क्यों हमारे किसान, हमारे पशुपालक ज्यादा लाभ कमा रहे हैं, कौन कौन से इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए जानते हैं। चीन में एक कहावत कही जाती है, अधिक सुअर अधिक लाभ। अधिक अनाज अर्थात जिसके पास अधिक सुअर है उसकी खेती सबसे अच्छी होती है। सुअर पालन भारत में बहुत से लोगों की आमदनी का अच्छा स्रोत बन रहा है। ये भारतीय लोगों के लिए कृषि से जुड़े व्यवसायों में लाभदायक साबित हो रहा है। सुअर किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से बढ़ता है। सुअरों की फीड रूपांतरण क्षमता बहुत अधिक होती है। तात्पर्य सुअर में फीड से मांस की रूपांतरण दर अन्य जानवरों की तुलना में बहुत बेहतर होती है। सुअर की जो नॉर्मली वयस्क होने की उम्र है वो 8 से 9 महीने है और इसका गर्भकाल है जो 3 महीने 3 दिन होता है और एक बार साल के अंदर लगभग सुअर 2 बार ब्याह जाता है और एक ब्याह के अंदर 8 से 12 पिगलेट्स है वो उनका जन्म देता है और इस प्रकार से सुअर वैसा है आप कर सकते हो। सुअर अन्य जानवरों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। एक मादा सुअर 8 से 9 महीने की उम्र में पहली बार मां बन सकती है। ये साल में 2 बार बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्रत्येक प्रसूति में सुअर 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। जो नवजात जो बछड़े होते हैं उनके अंदर जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जन्मने के बाद उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कैल्शियम या फास्फोरस की भारी कमी हो जाती है। इस वजह से उसका भी अपन को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सुअर का मांस सबसे पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस में से एक है। इसमें वसा और ऊर्जा अधिक तथा पानी कम होता है। सुअर खाद एक अच्छा और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। सुअर के मल का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद के रूप में किया जाता है। इसे खेत में फसलों के उत्पादन और तालाब में मछली पालन के लिए उपयोग में ले सकते हैं। सुअर की वसा की पोल्ट्री फीड, पेंट, साबुन और रासायनिक उद्योगों में भी भारी मांग रहती है। इसकी मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुअर सबसे तेजी से मुनाफा देने वाले पशुओं में शामिल माना जाता है। हर 6 महीने में इनकी संख्या में इजाफा हो जाता है। सुअर को पालने में लागत कम और कमाई ज्यादा होती है। सुअर तेजी से बढ़ते हैं और इसका निवेश पर लाभ अनुपात बहुत अच्छा होता है। 7 से 9 महीने की उम्र में सुअर मांस के उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। इस अवधि के भीतर सुअर 70 से 100 किलो के बाजार योग्य वजन पर पहुँच जाते हैं। सुअर कृषि व्यवसाय छोटे और भूमिहीन किसानों, बेरोजगारों या अशिक्षित युवाओं के अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए बेहतर आय का विकल्प हो सकता है। मांस निर्यात की दृष्टि से ये भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में भी योगदान कर सकती है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप सुअर पालन में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, यानी किस तरह की सावधानी बरतें, इसके अलावा कैसा हो आवास, साथ ही बीमारियों में किस तरीके से हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सुअर पालन में बीमारियों का उपचार हो, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, टर्गा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टर्गा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं सुअर पालन की, जो कि हमारे पशुपालकों के लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी लाभकारी है, लेकिन इस व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारी सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, तो आइए जानते हैं इन बातों के बारे में विस्तार से।
सुअर पालन व्यवसाय स्थापित करना आसान है। इसके लिए आवास बनाने और उपकरण खरीदने के लिए थोड़ी पूंजी या निवेश की आवश्यकता होती है। सुअर पालन के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन महत्वपूर्ण होता है। चयनित क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताजे पानी की उपलब्धता रहनी चाहिए। चयनित क्षेत्र का वातावरण शांत रहना चाहिए। सूअर के लिए आवास व्यवस्था है वह बोर है, सोर है या अन्य जो इनके है जो प्रेग्नेंट है, उन सब के लिए अलग अलग आवास व्यवस्था आपको रखनी अत्यधिक आवश्यक है। सुअर पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आहार खिलाना है, क्योंकि पशु का विकास, उसका उत्पादन और स्वास्थ्य उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक आहार खिलाने पर निर्भर करता है। सुअर फीड की मूल सामग्री ओट, मक्का, गेहूं, चावल और बाजरा है। कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट भी सुअर के आहार में शामिल कर सकते हैं। नॉर्मली सुअर व्यवसाय के अंदर जो मास फीड कन्वर्जन रेशियो है वो 70% है, बाकी सब पशुओं से इसका जो फीड कन्वर्जन रेशियो अधिक है, इसकी वजह से यह सुअर पालन लाभ व्यवसाय है सबसे अधिक फायदेमंद है। सुअर पालन के लिए अच्छी नस्लों का चयन बेहतर होता है। हमारे देश में सुअर की देसी और संकर दोनों किस्में पाई जाती हैं, लेकिन अधिक लाभ और व्यावसायिक उत्पादन के लिए संकर नस्लों का ही चुनाव करना चाहिए। संकर नस्लों में सफेद यॉर्कशायर, लैंडरेस, हैम्पशायर और घुंघरू प्रमुख है। NLM योजना अंतर्गत सुअर पालन की योजना है और हमारे जनपद फरुखाबाद में वर्तमान में देव सत्य प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म्स है, जो कि अतुल प्रताप सिंह जी ने नगला हुसा गांव में खोला हुआ है, जिसमें वो बहुत ही उच्च तकनीक और वो बहुत अच्छी तरह से उसको संचालन कर रहे हैं और ये वर्तमान में बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर इस फॉर्म को लेके गए हुए हैं। इसमें ये अपना जो है मीट के लिए भी सुकर पालन करते हैं, ब्रीड भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फॉडर भी साथ साथ ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और बड़ा रिसर्च कर रहे हैं फॉडर में कि भाई किस तरह का फॉडर किस सीजन में किस ब्रीड को किस एज पर कौन सा चीज़ दिया जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मैक्सिमम वेट गेन मिल सके। तो साथ ही सरकार मैंने इनसे अनुरोध किया है कि इसका वर्तमान में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और इसमें अपनी यूनिट का विस्तार करें। इसमें इनके द्वारा भी रुचि दिखाई गई है अतुल प्रताप सिंह जी द्वारा और ये जो है अपनी एक यूनिट भी एक्सपेंड कर रहे हैं सरकार के सहयोग से, साथ ही फीड प्रोडक्शन यूनिट भी ये स्थापित करने हेतु तैयार है। सुअर की प्रजनन प्रक्रिया बेहद आसान और सरल है। आमतौर पर नर और मादा सुअर दोनों अपनी 8 महीने की उम्र में प्रजनन के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। सुअरों की गर्भधारण अवधि 115 से 120 दिनों की होती है। हमारी सरकार पिंक रेवोल्यूशन को भी काफी प्रोत्साहित कर रही है। बड़े पैमाने पर हमारे पशुपालक सुअर पालन को मांस के लिए भी अपना रहे हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी प्रोफेशनल से जिन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर सुअर पालन को अपनाया। इनका नाम है अतुल प्रताप। आइए जानते हैं कि कैसे सुअर पालन में उन्होंने नई ऊंचाइयों को हासिल किया और बन गए हैं आज के हमारे सफल उद्यमी। आज हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह जी हैं और उन्होंने इस सुअर पालन के उद्योग को बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने काम शुरू किया और क्या क्या परेशानियां उनके जीवन में आई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे किसान चैनल पे जो है इनवाइट किया है। अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पिगरी को। आज की डेट में ना बहुत ही मतलब निचले स्तर का काम इसको माना गया था और हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2013 से इसकी स्टार्टिंग करी थी। हम लोगों ने पहला फॉर्म जो है उत्तराखंड में स्टार्ट किया था और उसके बाद सेकेंड फॉर्म जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर वो स्टार्ट किया था कानपुर में और ये हमारा थर्ड यूनिट है जो कि 2019 में मैंने इसको स्टेबल किया है। प्रजनन से 7 से 10 दिन पहले एक अच्छा उत्पादक राशन मादा सुअर को खिलाया जाता है जिसमें ओवुलेशन दर में वृद्धि होती है। प्रजनन के बाद गर्भावस्था के अंतिम 6 सप्ताह तक एक सीमित लेकिन अच्छी तरह से संतुलित राशन खिलाया जाना चाहिए। ये काम अभी तक बड़े निचले स्तर का माना गया था, उसी धारणा को चेंज करने के लिए हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी, बहुत सारी रिसर्च हम लोगों ने इस पर करी और उसके बाद हम लोग इस काम को एक कॉरपोरेट लेवल पर हम लोग इसको लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रयास है वो ये है कि बाकी सारे भी जो लोग जो किसान भाई लोग काम कर रहे हैं जो अपना क्रॉप कल्टिवेशन करते हैं, साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि वो भी लाइव स्टॉक फार्मिंग में आए, पिगरी में आए, चूंकि हम लोग पिगरी कर रहे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट उनको रहता है,
वो भी धीमे धीमे इसको स्टार्ट करें और अपनी इनकम को वहाँ पर बढ़ाएं। ये गर्भवती जानवरों को अलग अलग बाड़ों में रखना चाहिए। लड़ाई से बचाने के लिए नए जानवरों के साथ नहीं रखना चाहिए, जिससे लड़ाई से गर्भपात होने से बचाया जा सकता है। MBA मैंने किया हुआ था और बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने के बाद में एक मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना था, तो इसके बारे में बहुत सारा मैंने पढ़ा, समझा, जाना। बहुत सारे बिजनेस का हम लोगों ने रिसर्च किया, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे बिजनेस माइंड में आए, लेकिन सबसे लास्ट में जब मैंने देखा कि इंडिया में सबसे कम काम जो है वो अभी तक पिगरी में ही हुआ है, तो यहाँ पर करने के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा था। मतलब इसमें इतना स्कोप था कि जितना आप कर सको उतना कम है, इसलिए हम लोगों ने पिगरी को चूज़ किया। और जब मैंने इसको चूज़ किया तो आप सारे लोग जानते हैं कि सोशल इश्यूज इसमें बहुत सारे आए, लेकिन बीइंग अ बिजनेसमैन हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सोसाइटी का नहीं सुनना है, क्योंकि सोसाइटी से कोई काम नहीं बनेगा, हमको अपने खुद के दम पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसी के चलते हम लोगों ने धीमे से इसको स्टार्ट किया, लोगों की बहुत सारी बातें हुई, मैंने उनको अनसुना किया और अनसुना करके आज हम लोग जिस लेवल पे हैं वहाँ पर वो सारे लोग जो इसको देखकर परेशान होते थे या जो इसको बड़ा ख़राब काम मानते थे, आज वही सब सारे लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। और हमारा विज़न यही था कि किस तरीके से हम जो इंडियन अपने कल्चर में जो एक पिगरी का जो कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में बैठा हुआ है उसको हम किसी तरीके से पूरा चेंज करें। और बहुत हद तक मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। बहुत सारे हम लोगों ने एग्री एंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए हैं और साथ साथ में हम लोगों ने ब्रीड को डेवलप किया, ब्रीड की जेनेटिक्स को डेवलप किया, उनके जो फीडिंग प्रोग्राम्स थे, जो फीड फार्मूलेशंस थे, वो हम लोगों ने डिज़ाइंस के लिए, हालांकि इसके लिए मुझे बहुत समय लगा, कई सारे देशों से मुझे बहुत सारे जर्नल्स को मंगाना पड़ा, उनको स्टडी करना पड़ा, उसके बाद वो धीमे धीमे इम्प्लीमेंट करते 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 और आज हम लोग एक सफल एग्री एंटरप्रेन्योर्स हम लोग अपने आप को बोलते हैं, तो हम लोगों ने इस पर डेवलप किया हुआ है। सुअरों में बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक से जांच कराते रहना चाहिए। बीमारियों पर नियंत्रण के लिए सभी सुअरों को 2 से 4 सप्ताह की उम्र में स्वाइन बुखार के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए। नॉर्मली जो सुअर है उसके लिए आपको जो बीमारियां देखने को मिले, इनकी आवास व्यवस्था और जो परजीवियों का अतिक्रमण है वह बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको परजीवियों का नियंत्रण के लिए जो दवाइयां हैं उनका उपयोग करना चाहिए और जो टीकाकरण है वह भी समय समय पर आपको करना चाहिए। जानवरों को रोग मुक्त फार्म से खरीदा जाना चाहिए। नए खरीदे गए जानवरों को 3 से 4 सप्ताह की अवधि के लिए फार्म के अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। किसी भी आगंतुक को फार्म में जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो सुअर के अंदर मुख्यतः बीमारियों की बात करें, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, यह अपने आप में एक बहुत अच्छी घातक बीमारी है और इस बीमारी से काफ़ी डेथ हो जाती है, इसलिए इसका भी आपको बचाव करना चाहिए। दूसरी है FMD, खुरपका मुंहपका बीमारी है, यह वैसे तो क्लोन फुटेड एनिमल है उनमें पाई जाती है, लेकिन सुअर के अंदर भी इसका असर मिलता है, इसलिए इसका भी आपको टीकाकरण है वो अवश्य कराना चाहिए। सरकार सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए सुअर पालन योजना चला रही है। इसका उद्देश्य देश में बेरोजगार लोगों को व्यवसाय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। सुअर पालन शुरू करने के लिए सरकार द्वारा ऋण के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें लोगों को सरकार सब्सिडी देकर सुअर पालन के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। बैंक और नाबार्ड से इस मामले में ऋण लेकर सुअर पालन शुरू किया जा सकता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सुअर पालन व्यवसाय पर एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। उस योजना के बारे में किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सुअर पालन जो व्यवसाय है इसको अगर बड़े स्तर पर करना चाहो उसके लिए 100 मादा और 10 नर सुअर की आवश्यकता रहेगी और उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा लगभग 60 लाख का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 50% सब्सिडी, 30 लाख की सब्सिडी आपको इस प्रोजेक्ट पर मिल रही है। तो सुअर पालन व्यवसाय का जो बड़े स्तर पर करना चाहते हैं कॉमर्शियल लेवल पर, उन किसान भाइयों को जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है इसके अंदर आवेदन कर अपना अवश्य लाभ उठाना चाहिए। सुअर मांस के निर्यात से भी पालक बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के दौर में सुअर पालकों को सुअर मांस की बढ़ती मांग के कारण काफी फायदा हो रहा है। ऐसे में सुअर पालन किसानों के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। सुअर मांस के निर्यात में भागीदारी निभाकर किसान बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसान के लिए सुअर पालन मामूली लागत में अधिक मुनाफा देने वाली एक फायदेमंद व्यवसाय है।
किसान अगर बेहतर करना चाहे तो वे सुअर पालन व्यापक मात्रा में करके रोजगार का भी एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। सुअर के मांस और इसके उत्पादों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। इसके निर्यात को प्रोत्साहित कर हम विदेशी मुद्रा का अर्जन भी कर सकते हैं। हमारे युवा कम लागत में इस व्यवसाय को अपना सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको सुअर पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।